नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं प्रेमनाथ शुक्ला आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे ग्लास बनाना, पानी पीने का ग्लास जो होता है उसको हम सीखेंगे कैसे बनाएं अच्छा सा। तो पहले एक सीधी सी रेखा खींचेंगे, उसके बाद ऊपर का भाग जो है थोड़ा बड़ा लेंगे, लगभग 7 सेंटीमीटर, और फिर नीचे का जो हिस्सा है उसको ऊपर वाले भाग से थोड़ा कम लेंगे, तो इसको हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं, और बीचों बीच से 2.5 सेंटीमीटर इधर, 2.5 सेंटीमीटर इधर, और ऊपर वाला हिस्सा जो है 3.5 सेंटीमीटर उधर, 3.5 सेंटीमीटर इधर। एक टिक का निशान लगा लेंगे हम ऊपर भी और नीचे भी, और फिर इन दोनों बिंदु को हम मिला देंगे ऐसे, और इधर भी हम इसको ऐसे मिला देंगे। इसके बाद फिर अब हम नीचे जो है एक सीधी रेखा मिलाएंगे दोनों को आपस में ऐसे, और यही स्टेप ऊपर भी एकदम सीधा रखते हुए दोनों को मिला देंगे ऐसे। फिर अब हम ऊपर वाले हिस्से को आधे आधे से गोलाकार लेते हुए ऐसे बनाएंगे ऐसे, और यही स्टेप इधर भी ऐसे यहाँ पे ले जाकर ऐसे गोल करते हुए मिला देंगे, और फिर यही स्टेप नीचे भी होगा। तो आप देख रहे हो कितना प्यारा गिलास बन रहा है, पानी पीने का गिलास। और फिर इसको ऐसे गोला करते हुए हल्का सा ऐसे इसमें मिला देंगे, तो देखो कितना प्यारा ग्लास बन रहा है। और फिर इसको ऐसे गोलाकार देते हुए यहाँ पे ले जाकर फिर इसको ऐसे डबल कर लेंगे, इस रेखा को जो ऊपर हमने गोलाकार बनाया था उसको हम ऐसे डबल कर लेंगे, और फिर नीचे भी ऐसे इसको हम डबल कर लेंगे। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी अगली वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपना प्यारा सा कमेंट भी करना कैसा बना है। इसकी शेडिंग ऐसे करेंगे पेंसिल को तिरछी करते हुए, एक तरफ ज़्यादा शेडिंग रहेगी और एक तरफ कम, जिस तरफ से प्रकाश आ रहा हो उस तरफ कम रहेगी, उसके विपरीत दिशा में शेडिंग ज़्यादा रहेगी। तो इसको हम ऐसे शेडिंग कर लेंगे पेंसिल को तिरछी करते हुए, और नीचे भी ऐसे देख रहे हो कितना प्यारा ग्लास बन रहा है, पानी पीने का ग्लास। चाय भी पी सकते हैं आप इसमें। तो आप बनाइए इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे, और फिर इसकी भी शेडिंग करेंगे ऐसे ताकि गिलास का मुंह जो है पता चले
अच्छे से ऐसे ऐसे एक तरफ डार्क एक तरफ हल्का, इसमें भी ऐसे करेंगे हम। और शेडिंग जरूरी होता है, बिना शेडिंग के कोई भी चित्र हो तो अधूरा अधूरा सा लगता है, इसलिए शेडिंग जो है बहुत ज़रूरी है।